दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। Welcome to 18 Telangana News. JHMC official roaming to collect property taxes, but want to check the structure of properties. Due to this negligence, one innocent Mohammed Irfan fighting for the life in Asra Hospital. Yesterday, a wall collapsed and fall down on biker under Shalibanda PS limits. Bela Khanli mein ek kaman tha, usko Bela kaman bolte the. Bahut 100 years ka hai wo, pichle 100 years pichle usko banaye the. सो लास्ट ईयर बारिशों के दिनों में वो डैमेज हुआ तो जीएचएमसी वाले उसको तोड़ दिए। तो आज क्या हुआ, 8 बजे को अचानक वो गिर गया, एक्सीडेंटली वो गिर गया वो दीवार। वही टाइम पे मोहम्मद इमरान इरफान बोल के, मोहम्मद इरफान वो हसनगर में रहने वाले हैं, उन्होंने और उनका फ्रेंड दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे शालीबांडे से मोगलपुरा तरफ। अचानक 8 बजे टाइम पर वो लोग ये कमान के पास पहुँचे हुए, अचानक वो कमान उनके ऊपर गिर गया, जो उनको हेड इंजरी हुआ। पुलिस वाले, नेक्स्ट ये लोकल पब्लिक एंड उनका फ्रेंड सब मिलके असरा हॉस्पिटल शिफ्ट करे। वहाँ फर्स्ट एड होने के बाद वहाँ से गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करे। प्रेजेंट उन्होंने गांधी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी तो उनका कंडीशन स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो 5 to 6 स्टिचेस डाले हुए बोलते मालूम, अभी तो कंडीशन तो ठीक है बोल के डॉक्टर्स बोल। कॉर्पोरेटर को आप तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बोल के कॉर्पोरेटर आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे ना सर? ये फॉल्स है जी। अब जब आपको इतला मिली तो आप कब? ये एक्चुअल ये वर्क जो है पुलिस का नहीं है ना सर, जीएचएमसी का वर्क है ना ये। आप लोग जो है हेल्प करें, ओके, बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन के हिसाब से जीएचएमसी का पुलिस का नहीं है। वैसा बोलो तो सर, बिफोर टुडे लेना फर्स्ट इंपॉर्टेंट। बिफोर टुडे जो है शबे बरात था मीर का दर में, वो वहाँ पे भी कांटियों का भी बहुत प्रॉब्लम था, वहाँ नहीं करे तो क्या आइंदा पुलिस इस तरीके से करेंगी क्या? कोई चीज़ को ऐसा रहेगा तो अभी तक जीएचएमसी का कोई अवेलेबल नहीं है सर इधर। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर है ना, ये यही है ना, कोई जो है जीएचएमसी का किस भी जो है ऑफिसर नहीं है परमिशन दिए वो लोग भी, क्योंकि 2-3 महीने पहले लास्ट टाइम जो है मूसाबली पे भी एक बड़ा इंसिडेंस ऐसे हुआ था। तो अगर ये डाइपोलेटेड कंडीशन को ऑलरेडी नोटिस इश्यू करते तो क्यों नहीं कर रहे जीएचएमसी? आप लोग भी इस पर जो है एक्शन लें, क्योंकि ये सारा पूरा प्रॉब्लम आप लोगों के ऊपर आता। फिर करे भी तो अच्छा, करे भी तो आपको क्रेडिट आता, ऐसा भी करे तो आपके ऊपर क्रेडिट आ रहा, दोनों तरफ से आपके ऊपर ही आ रहा। वो तो सही, पुलिस 24 आवर वर्क कर रही, मगर अच्छा भी करे तो आपके ऊपर ही आ रहा, फिर खराब भी। आप ये क्यों करे बोल के भी आपके ऊपर ही जो है एलिगेशन आ रहा ना सर। अब आपके सामने होना बोले तो हम आपको सवाल कर रहे थे। अभी तो ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस नहीं होना बोल के थोड़ा डेब्रिस उठाए जी। कल सुबह जीएचएमसी वालों से बात करके जो भी, तो अभी आप नहीं किए जीएचएमसी वालों से बात नहीं किए, किसी को भी नहीं किए? नहीं बात हुआ है, वो लोग आने वाले हैं, वो आए तक देर होता है बोल के हम पुलिस वाले पूरा उठाए। ओनर से बात हुई मगर उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन है, कल मॉर्निंग आने वाले बोलते। अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो फिर आप उसका एक्शन लेंगे? हाँ, अगर वो घर का दीवार गिर गया बोले तो एज पर कानून का हिसाब से एक्शन मिलते, मगर वो जस्ट कमान का छोटा सा पीस बचा हुआ था उस दिन जी, वो अचानक एक्सीडेंटल आज के लिए। कल सुबह जीएचएमसी वाले से बात करके पूरा इंक्वायरी करके वही हिसाब से एक्शन लेते। बच्चा जो है सीरियस कंडीशन में है, अभी बच्चे को अगर कुछ हो गया आप लोग अभी तक FIR नहीं लिखे? FIR नहीं लिखे बोले, कौन बोले आप? कहाँ है बताओ साहब, FIR कहाँ है, लाओ लाके बताओ। अब हमें को इतला मिल रही, बच्चा जो है सीरियस कंडीशन में, बच्ची के फसलियाँ टूट गई, सीरियस जाके एडमिट करें मेरा। हां साहब साहब बराबर है, आप करें मगर आप लोग पूरा जो है क्लीन करके रख दे रहे हैं, उसको बचा ले रहे हैं। क्या कर दे, नहीं नहीं क्लीन करके रखने का क्या मतलब है, उसको बचाने का ही मतलब हुआ ना। रास्ता तो क्लियर नहीं करना। हां साहब आप इतला देना था, MLA साहब को इतला देना था, MP साहब को इतला देना था। जब बच्चा अगर खुदा ना खासा मर जाता कौन जिम्मेदार होते? आप हम होते क्या? उसके घर से तो बड़ी जान जाती है ना। रोड क्लीन नहीं करना आप लोगों की गलती है साहब, ये मालूम है ना। आप लोग एरिया के लोगों को बोलना था, आप यहाँ के कोई बड़े नहीं है क्या? MLA साहब है, काउंसलर है, फिर MP साहब है,
उनको तो कम से कम बोलना आप लगा तो आ देता हुआ बल्कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट नहीं है मैडम, फर्स्ट उनको बचाना इम्पोर्टेंट है। क्या बताए साहब, अंदर बैठे उसको छोड़ दिया आप लोग, आप अंदर बैठ के खाना खा रहे, उन्हें आराम से चलेगा। मैं कितने बजे से यहाँ हूँ मालूम है साहब? सही बात है, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रही हूँ आपकी बात, आप 6 बजे से होंगे, मैं भी बोल रही हूँ नहीं बोल के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अब ये टाइम पे तो ओनर ही नहीं है, आप लोग ठहर के हम ठहर के क्या करते? बुलाएंगे मैडम, कल नहीं आप बुलाना साहब, कल नहीं आज बुलाना, अभी इतने लोगों के बीच में हो रहे अभी बुलाना आप, हमारा भी रहा तो हम भी बोलते थे नहीं कल सुबह में कहीं को झक मराने आते, अब नहीं आके सुबह में कहीं को आते, बच्चा सुबह तक मर गया तो कोई काम करा तो फॉरन एक्सचेंज लेके उसको उठाते, उन्हें मर गया तो कल मौतों में ना तो बाजू में इतनी बड़ी दीवार देखे आप, वो मेरे बाजू गिरी, अगर उनके ऊपर घनेटा गिर गया वो मेरे बाजू में गिर गए, अगर वो मेरे ऊपर मैं बोला ना आपको खाली मेरे को उंगलियों पे मारना पड़े, अगर वो भी मेरे ऊपर गिर जाता तो मैं साफ कर दे। हाँ साहब दिया, आप देखो टाकी भी कैसा रखा उन्होंने, देख लो आप खुद देखो, टाकी अगर गिरी तो फिर नहीं मरे तो क्या होता? मान तोड़ना लगेंगे मैडम, क्या पूरा तोड़ना क्या हो, बच्चे को कुछ हुआ तो मैं खामोश बैठ जाने ना, फोन करे बुलाया अभी मैं तोड़ना लगा तो फोन कर, मैं बोलती हूँ जीएचएमसी वालों को फोन दिया जी, इधर कौन आते देखो तो मैं यही था कि मैं करा तो 24 घंटे ओनर नहीं हूँ, किराएदार हूँ भाई, अगर घर का मालिक कौन है, क्या लावारिस घर है ये? उनको लेके आ तुम मामा। हाँ ला अब यहाँ बुलाओ, मैं नहीं तो यहाँ पर से जाती हूँ मैं सुबह तक भी, बच्चे को अगर धक्का लगा तो धज्जा उड़ा डालती हूँ, कोई भी रहने दो, मस्करा बना है क्या इतना बड़ा, जान जा रही बच्चे की दवाखाने में, उन्हें चले जाता कहते बैठ के, पहले तो हम लोग को भी जॉब करने दे, हाँ ये लोग साफ कर लेते, सपोर्ट करके साफ कर दे, ये लोगों की सफर से आगे बढ़ते हो लोग, हमारे को कहते हमारे को खींच देते, उनको छुट्टी छोड़ी छोड़ देते, तबीयत को बना लिया और कुछ भी नहीं है, बुलाओ उसको यहाँ पर, कोई भी रहने दो बुलाओ आप, नहीं तो मैं एसएस साहब को मैसेज करती हूँ, पुलिस सपोर्ट करके ओनर को भगा दी बोलती हूँ, अभी बोलती हूँ मैं आपके सामने बोलती हूँ, बस खराब बना है क्या अंदर बैठ के मांडोलियां होते और कुछ भी नहीं होते, तो मालूम है अपने को ये अंदाजे लोगों को, पुलिस है ये कितना कब साथ देती नहीं मालूम होता।